आज शारदीय नवरात्र का आठवां दिन है। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन आज हो रही है महागौरी की पूजा अर्चना। दुनिया में पहली बार 5 लाख के करीब बढ़े कोरोना केस। सबसे अधिक कोरोना मामले अमेरिका, भारत और फ्रांस में आए सामने। एफएटीएफ से पाकिस्तान को झटका। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने में रहा नाकामयाब। ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। चीन से तनातनी के बीच राजनाथ सिंह दशहरे के मौके पर एलएसी पर करेंगे शस्त्र पूजा। इस दौरान थल सेना प्रमुख जनरल एमएस रणवरे भी होंगे साथ। दिल्ली की हवा लगातार हो रही जहरीली। अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता और होगी खराब। कई क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह के बेटे को ईडी का समन। फेमा उल्लंघन मामले में होगी पूछताछ। साल 2005-2006 के बीच विदेशों में अघोषित संपत्ति छुपाने का लगा है आरोप। शिवराज चौहान का कमलनाथ पर पलटवार। नारियल लेकर नहीं तो क्या शैंपेन की बोतल लेकर घूमे। बता दें पिछले दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर साधा था निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज। गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कन्या पूजन भी करेंगे सीएम योगी। बांके बिहारी मंदिर को फिर से खोलने के आदेश। भीड़ को देखते हुए 19 अक्टूबर को मंदिर किया गया था बंद। अब दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की तैयारी। 13 नवंबर को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बार फिर 5 लाख दिए जलाए जाएंगे। सजाई जाएंगी 3 से 4 झांकियां। सर्दी से पहले यूपी में प्रदूषण की दस्तक। 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा खतरा। एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक। मुख्तार के करीबियों पर लगातार हो रही कार्रवाई। शमे हुसैनी अस्पताल को किया गया ध्वस्त। मुख्तार के करीबी डॉक्टर साजिद का है अस्पताल। मौके पर भारी पुलिस फोर्स रही मौजूद। अलीगढ़ के मडराग थाना क्षेत्र में बेकाबू कंटेनर ने राहगीरों को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 3 घायल। कंटेनर की चपेट में आकर 2 पशुओं की भी मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज के गुरसियागंज कोतवाली क्षेत्र के रामधन कस्बे में मामूली विवाद में पत्नी को दिया 3 तलाक। महिला को 2 बच्चों के साथ घर से निकाला। पीड़िता की पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद। एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। महाराजगंज जिले के सीमावर्ती नौतनवा कस्बे में एसएसबी और पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपए के नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद किए। एसएसबी और कस्टम विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान कई एक्सपायरी सामान भी पाए। प्रतापगढ़ पुलिस से नहीं चलता है असलहा। एसपी के सामने पिस्टल तक नहीं खोल सके महेशगंज एसओ। दारोगा सिपाही भी 10 मिनट तक एसपी के सामने नहीं खोल सके असलहा। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के प्रेम नगर में देर रात घर में घुसकर छात्रा को मारी गोली। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के सिर में लगी गोली। गोली मारकर फरार हुए बदमाश। मौके पर एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस पहुंची। मिर्जापुर के प्रसिद्ध विंध्याचल में स्थित मां विंध्यावासिनी मंदिर में आज नवरात्र के अंतिम दिन भक्तों की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए पहुंची। आज नवरात्र का अष्टमी और नवमी दोनों की मान्यता। नवरात्र के अंतिम दिन भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंचे। नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाली सुरभि अग्रवाल ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुई। सुरभि के अमेजन अकाउंट में सेंधमारी कर खरीदारी भी की गई। कंपनी से शिकायत करने के बाद भी उनको राहत नहीं मिली।
जालौन में नहीं थम रही लड़कियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं। जालौन में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, रिश्तेदारी में आए दो युवकों ने किया दुष्कर्म। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के नंदना गांव में खेत में लापता किशोर का शव मिलने से हड़कंप। एक सप्ताह पहले लापता हो गया था किशोर, हत्या के बाद शव खेत में फेंके जाने की आशंका। रायबरेली में रिश्वतखोर लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, किसान से रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल। वीडियो वायरल होने से विभाग में मचा हड़कंप। मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र में दवा व्यवसायी अर्जुन कर्णवाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजीत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30 घंटे की रिमांड के बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जंगलों से किया पिस्टल बरामद। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश, मामले में पुलिस की लापरवाही आई सामने। पुलिस नहीं लिख रही रिपोर्ट, थक हार कर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। बदमाश का एक साथी फरार होने में कामयाब। मुठभेड़ में गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। रामलीला में अंगद की भूमिका निभाने अयोध्या पहुंचे भाजपा के सांसद व भोजपुरी फिल्म के स्टार मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने कहा, जिसने पढ़ी पूरी रामायण वो कर लेगा भाजपा ज्वाइन। कुशीनगर में सौतेले पिता ने बेटी की हत्या कर शव को दफनाया। पिता ने 3 साल की बेटी की हत्या करके खेत में दफनाया शव। मृतका की मां ने पुलिस से की मामले की शिकायत। मृतका की मां ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। संबल में अनियंत्रित ट्रक ने स्कूल जा रही छात्रा को कुचला, छात्रा की मौके पर मौत। छात्रा की मौत से आक्रोशित भीड़ ने ट्रक चालक को जमकर पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। कानपुर में एक बार फिर दिखा ककवन, निचली गंगा नहर में बहता शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, शव की ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। अलीगढ़ एसएसपी ऑफिस के बाहर गुंजाई का मामला आया सामने। इटावा से महिला थाने तारीख करने आए युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। मारपीट की घटना मोबाइल में हुई कैद। बदायूं के थाना अलापुर क्षेत्र के म्याऊ गांव की बाजार में बाइक टच होने पर राहगीरों में हुई मारपीट। बीच सड़क राहगीरों में जमकर हुई मारपीट, तमाशबीन बनी रही भीड़। होमगार्ड के जवान ने आकर मामले को किया रफा दफा। बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र के बरमदपुर के जंगलों में गौ तस्करों और पुलिस में मुठभेड़। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी अरमान घायल। पुलिस ने अरमान के साथी को भी किया गिरफ्तार। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छिरिया सलेमपुर में तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने जंपर में मारी पीछे से टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि दो महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सगाई के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे सभी बोलेरो सवार। हरदोई केमिकल फैक्ट्री में गैस का रिसाव, 14 अन्य मजदूर भी हुए घायल। मजदूरों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोरखपुर जिले के खजनी और राजघाट थाना क्षेत्रों में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लीटर निर्मित कच्ची शराब बरामद की। हजारों क्विंटल लहन को मौके पर नष्ट कर विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। फिरोजाबाद के टुंडला नगर के स्टेशन रोड में किशोरियों को टैंकर ने मारी टक्कर। एक किशोरी की मौके पर हुई मौत, दूसरी अस्पताल में भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लिया। लखनऊ में राजाजीपुरम इलाके में तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर हूटर बजा रहे एसडीएम के बेटे को पुलिस ने रोका। जब पुलिस ने गाड़ी किनारे करने और हूटर बंद करने को कहा, कार सवार युवक पुलिस से भिड़ गए।
उन्नाव के थाना फतेहपुर चौरासी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिक्सर मशीन चलाने वाले मजदूर का मिला शव। शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सड़क किनारे मोटरसाइकिल के नीचे दबा मिला शव। कानपुर के कल्याणपुर में इंदिरानगर में दबंगों की खुलेआम दबंगई। घर में घुसकर रिटायर्ड दारोगा समेत उसके बेटे को पीटा। कूड़े को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। कानपुर के बर्रा थाना इलाके का अवैध असलहों की खेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक ने अपनी फेसबुक पर अवैध असलहों और कारतूस के साथ स्टेटस लगाया। आजमगढ़ में वकील की मौत से नाराज साथी वकीलों ने सड़क पर लगाया जाम। दो दिन पहले शशि राजभर की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। वकीलों के परिवार का आरोप हादसा नहीं, की गई हत्या। मेरठ के थाना ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित बहादुर मोटर्स के पास एक कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने कार सवार को टक्कर मारी, जिसमें साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्नाव से अजगैन कोतवाली के नवाबगंज कस्बे से प्रेमी के साथ भागी युवती का कंगाल चौकी पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर माखी थाना क्षेत्र में बरामद किया। प्रेमी ने हत्या कर प्रेमिका को जमीन में दफनाया। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में थाना सफाई क्षेत्र में कानपुर जा रही भूमिगत एचपीसीएल के ईंधन की पाइपलाइन लीक होने से बड़ा हादसा। पाइपलाइन में लगी आग आग देखकर इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर विभाग और कंपनी के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाइपलाइन में लगी आग को बुझाया। बांदा में प्रेमी जोड़े ने की 8 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या। प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में देखना मासूम को पड़ा भारी। मासूम का गला दबाकर और मुंह में फेविक्विक डालकर की हत्या। हत्या में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। हाथरस जिले में नहीं रुक रहा है नाबालिग से दुष्कर्म का सिलसिला। दुष्कर्म की शिकार हुई 5 साल की मासूम। घटना पर अंकुश लगाने में है नाकाम पुलिस। हरदोई में पुलिस प्रशासन के सामने ठगी का शिकार हुए लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ऑफिस के गेट के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की चेतावनी। कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोर का शव पेड़ पर लटका मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर किशोर की हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने का लगाया आरोप। लखनऊ विधानसभा के सामने महिला ने की आत्मदाह का प्रयास। हाई सिक्योरिटी जोन में महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। नींद की गोली खाकर महिला ने की आत्मदाह का प्रयास। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बचाया। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के पास अवैध शराब तस्करी का बड़ा भांडाफोड़। सुधा गोल्ड दुग्ध वाहन में बड़ी मात्रा में बरामद हुई शराब। दूध की पेटियों में भरकर ले जाई जा रही थी शराब। लखीमपुर खीरी के मैंगलगंज थाना क्षेत्र के बल्लीपुर गांव में युवक का शव मिलने से हड़कंप। गांव के ही दो युवकों पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद के सिद्धन गला गांव में धारदार हथियार से किसान की हत्या। सुबह खेत पर गया था किसान राम गोपाल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस जांच में जुटी। कन्नौज के गुरसियागंज क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार जीजा साले कुमारी टक्कर। हादसे में जीजा की मौके पर मौत। साला गंभीर रूप से हुआ घायल। पीड़ित परिजनों में मचा कोहराम। काशीपुर में एक पक्ष ने पुरानी रंजिश के चलते दूसरे पक्ष की महिला पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। दूसरे पक्ष की महिला ने भी उक्त महिला के विरुद्ध कोतवाली में क्रॉस केस करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। रायबरेली जिले के बचरावा कस्बे के पास तेज रफ्तार एनएनजेड डीसीएम ने सड़क के किनारे खड़े 4 वर्षीय मासूम को रौंद दिया। मौके पर हुई बच्चे की मौत। मिर्जापुर के हालिया थाना अंतर्गत सौठिया खुर्द गांव के घर के पास पूजा के लिए मिट्टी लेने गए 5 बच्चे दीवार गिरने से घायल, जिसमें 2 बच्चों की हुई मौत। 3 बच्चों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज।
कोरोना के चलते पौड़ी में बंद हुई 124 साल आयोजित होने वाली रामलीला, रामलीला मंचन की जगह किया जा रहा रामायण पाठ और दुर्गा पाठ का आयोजन। रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन पर परिवहन निगम सख्त, आंदोलन से हुए नुकसान को कर्मचारियों से वसूलने के लिए दिए गए आदेश। दूसरी तरफ रोडवेज कर्मचारियों ने तेज किया आंदोलन, 27 अक्टूबर से क्रमिक अनशन होगा शुरू। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा, सामने आए 288 नए मामले, 59,796 हुई कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 979 लोगों की जा चुकी है जान। ऋषिकेश में नाबालिग का अपहरण, 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई नाबालिग, मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, किडनैपर्स की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान, कहा जन सेवाओं के लिए करता रहूंगा काम। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान आया सामने, उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत को जरूर कोई परेशानी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। हरक सिंह रावत का चुनाव न लड़ने के बयान पर आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की कला खुलकर सामने आने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविन्द्र आनंद का कहना है कि बीजेपी की अंदरूनी कला सामने आने लगी है। उत्तरकाशी जिले के नगर क्षेत्र पुरोला में बीजेपी नेता बलदेव रावत जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सुर्खियों में हैं। बीजेपी नेता पर पंचायत कार्यालय के से सटे जमीन पर कब्जा कर निर्माण करवाए जाने का आरोप लगा है। उत्तराखंड के सभी डिग्री कॉलेज को 4G वाईफाई से जोड़ने की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया, 8 नवंबर को मुख्यमंत्री योजना की शुरुआत करेंगे, साथ ही 2 माह के भीतर सभी कॉलेज को वाईफाई से जोड़ने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। नेहा कक्कड़ की शादी की तैयारियां शुरू, मेहंदी हल्दी सेरेमनी की फोटोज आई सामने, सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटोज। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम का मोशन पोस्टर आया सामने, पोस्टर में रोमांटिक अंदाज में नजर आए प्रभास और पूजा हेगड़े। सूरज पर मंगल भारी का ट्रेलर हुआ सोशल मीडिया पर ट्रेंड, फिल्म में एक कहानी 6 किरदार, सब पर भारी पड़े मनोज वाजपेयी के अवतार। कंगना रनौत ने ताजा की बचपन की यादें, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटोज में मुरब्बा खाती नजर आई कंगना। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से दी मात, आईपीएल के इतिहास में यह पहला मौका है जब धोनी की सीएसके प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाए। कप्तान धोनी ने अपनी टीम के निराशाजनक प्रदर्शन का दुख जाहिर करते हुए तकलीफ होने की बात कही। कपिल देव की हालत में सुधार, दिल का दौरा पड़ने के चलते कल अस्पताल में हुए थे भर्ती।